ज़िंदगी चाचू ख़राब कर दी है। चाचू ने मेरे साथ बहुत गलत की है। जी मैं गलत किया ये नाल, मैं इन्हू दसिया नहीं है कि किस काम जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। मैनू पता होता मैं कदम ना सी चुकना, भावें चाचू सी भावें जो भी सी। मदरसे में क्या पढ़ा? मदरसे में कुरान पाक हिफ्ज किया है। हिफ्ज हो गया? हाँ जी, उन्होंने बेटी ही स्वैब बाद शादी शुदा है। वो मियाँ जड़ा है ना लाहौर कम करता सी, मैं उनका जाना सा, नजायज़ तलक मेरे ना वो नाल कायम हो गए। ये मामला कहाँ चलता था, उनके घर पे? हाँ जी। कारी साहब कहाँ होते थे? कार नहीं सन होते। जो कारी साहब तुम्हें सुपारा पढ़ा रहे हैं अल्लाह के बंदे, तुम उसकी बेटी पे नजर रख के बैठ गए? जो तुम्हें पना दे रहा है कि दूर से आया है, चलो रात बैठक में गुजार ले, आसानी हो जाए, तुम उसके लिए उसी के घर को बर्बाद कर दिया। मुलजमान मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, दो हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है? फरियाद अली। फरियाद अली? फरियाद अली जी। फरियाद कितनी उम्र है? 32 साल। क्या करते हो? मैं नाइयां दा काम करना। इसके अलावा? कुछ नहीं। कोई पढ़ाई की है? जी। कितनी? 6 स्कूल दियाँ कीतियाँ। टीचर कौन था? टीचर साढ़े गाँव दे सन। कौन? सर अमदाद। सर अमदाद? सर अमदाद जी। उनके पास पढ़ते थे? जी। फीस कितनी देते थे? फीस तकरीबन उदो कोई 54-58 होनी है। उनके बाद भी कोई टीचर था या बस वो एक ही थे? नहीं, वो ही थे। उनके बच्चे कितने थे सर अमदाद के? उनके बच्चे 4 थे स्कूल के। स्कूल के? जी। क्या मतलब स्कूल के? मसलन 6 पढ़ा हूँ स्कूल की। हाँ हाँ जी। इधर ही घर पे जाके पढ़ते थे उनसे? आप इसकी बात कर रही हैं? मैं आपके टीचर की बात कर रही हूँ। स्कूल की या मदरसे की? आप मदरसे में भी पढ़े? जी मैम। अभी मैं स्कूल की बात कर रही हूँ। हाँ जी, स्कूल की मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है जी। कितने बच्चे थे उनके? उनके 4 बेटे थे। 4 बेटे थे उनके? 3 या 4 इतने। ठीक है। 6वीं क्लास तक उनसे पढ़े हो? 5 तक। 5 तक। उनके बाद मदरसे चले गए? हाँ जी। स्कूल क्यों छोड़ दिया? मदरसे चला गया। मदरसे में क्या पढ़ा? मदरसे में कुरान पाक हिफ्ज किया है। माशाल्लाह पूरा? जी। हिफ्ज हो गया? हाँ जी। माशाल्लाह वेरी गुड। याद है अभी? हाँ जी याद। याद है पूरा कुरान पाक? दोहराते भी रहे हो? जी। ठीक है। उस्ताद कौन थे? मेरे उस्ताद सन कारी बशारत साहब, हाफिज ताहर साहब, चकती दो शरीफ तो मैं पढ़िया, सूफी मोहम्मद अफजल फकीर। उस्ताद किसे कहते हैं? उस्ताद कहते हैं जो पढ़ाता है। जो पढ़ाता है? जी। उस्ताद का क्या दर्जा होता है? माँ बाप से ऊपर होता है। जिसने आपको एक लफ्ज भी पढ़ा दिया वो उस्ताद के जुमरे में आता है। जी। ऐसे ही है? हाँ जी। तो जिसने कुरान पाक पढ़ाया वो कितना बड़ा दर्जा रखता होगा? बहुत बड़ा। हम गिन भी नहीं सकते? नहीं। हम बयान भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। कुरान पाक आपके सीने में है? जी। कुरान पाक कहाँ है? सीने में। आपके सीने में है। आपने कुरान पाक को हिफ्ज किया, अल्लाह के बंदे, बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा रुतबा है हाफिज कुरान का। हाँ। ये कैसे लग गई हथकड़ी? बस गलती हो गई। क्या हुआ था? कत्ल हो गया मेरे को। किसको कत्ल किया है? मुअज्जम को। किसको? मुअज्जम को। मुअज्जम को? जी। मुअज्जम कौन है? मुअज्जम मैं जदों पढ़ना मदरसे, उस तो बाद फिर मैं ना एक उस मदरसे दी शाख सी करी अब्बास साहब, उन्हां कोल मैं पढ़िया थोड़ी देर। वैसे उन्हां दे कोल अनजान है सी। उन कारी साहब का नाम बता दो। कारी अब्बास। कारी अब्बास? जी। कारी अब्बास साहब ने कुरान पाक हिफ्ज करवाया है? नहीं। हाँ। मैं उन्हें कोई हिफ्ज नहीं किया, वैसे उन्हें को अनजान है ऐसी, थोड़ा बहुत पढ़ता रहा उन्हें को। ठीक है। आना जाना क्यों था उनके पास? वैसे जो वो जितों मैं पढ़िया उतों वो ही पढ़ के मेरे तो पहले आए सन। ठीक है जी। उस मदरसे के तालिब इल्म। सुनाते जाओ कहानी। जी। उन्होंने घर के नाल तल्लुकात है सन शुरू तो। कितने अरसा पुराने? तकरीबन आज तो कोई 5-7 साल पुराने। 5-7 साल? जी। ओके। उनके घर आते जाते थे? हाँ जी। क्या करने? वैसे उन्होंने मिलन गिलन। कारी साहब घर पे मिलते थे आपसे? हाँ जी। अच्छा ठीक है। कहाँ पर? बैठक में? बैठक। सहन में? घर से बाहर? कहाँ? बैठक से। फिर?
फिर उस तो बाद मैं कम करता रहा तकरीबन उन्होंने 2-3 साल मैं नहीं मिलिया है। बाद फिर उन्होंने नाल मिलन होया है तो फिर उन्होंने इतने रैश लैन दी नारंग मंडी मदरसा उन्होंने उतो छड़ता है। कहाँ से? रत्ता गुजरा तो। ठीक है। इतने आ गए फिर मैं इतने दुकान बना ली नारंग मंडी च। इतने मैं फिर दुकान का कम करता रहा। फिर मेरा आन जान इन्हों कार हो गया थोड़ा बहुत 2-3 महीनों तो। जो आन जान होया तो फिर उन्होंने बेटी ही स्वैबा शादीशुदा ही वह मियाँ जड़ा ना लाहौर कम करता सी। उन्होंने घर के आपस के कोई तलक सन कोई मामलात लड़ाई झगड़े थे लड़ाई झगड़े थे कोई क्या मतलब किस बात पे झगड़ते थे मियाँ बीबी? खर्चे की वजह तो या वैसे कोई मारता कुटता सी। वजह मैनू इस वजह से नहीं पता। मैनू स्वैबा ने इन्ना को दसिया भी मैनू मारता है तो खर्चा नहीं देता। तो 2-3 महीनों तो मेरे फोन पर रबता से वह मैं आंदा जाता स नजायज़ तलक मेरे नाल कायम हो गए। कारी साहब की बेटी से? जी। कितने बच्चों की माँ थी वो? 2। कितने कितने बच्चे थे उसके? एक तकरीबन होना है 5 साल का तो एक होना है 1.5 साल का। तुम्हें क्या बुलाते थे वो? जी तुम्हें क्या बुलाते थे वो? मेरे नाम तो ही पुकार दी से। फिर ये मामला चलता रहा। कहाँ पे चलता रहा ये मामला? काफ़ी देर उन्हें मैनू आंदी रही भी इन्हों ना मार दे। मैं पूछ रही हूँ ये मामला कहाँ चलता था? उनके घर पे? हाँ जी। कारी साहब कहाँ होते थे? कार नहीं सन। कितने लोग होते थे घर पे? सिर्फ कारी साहब थे उन्होंने बेगम थे वो 3 लोग ही होंगे। कारी साहब की अहलिया? हाँ। और ये लड़की? हाँ जी। बेटी? जी। और वो बच्चे मासूम 2? हाँ जी। ठीक है। तो जब ये मामलात होते थे तो ये बाकी फर्द कहाँ होते थे? घर नहीं सन होंगे। कितने होंगे सी? कितने बाहर गए होंगे सी। तुम्हें फोन करके बुलाती थी? हाँ जी। या वैसे मैं काम करता सा तो कितने रात नेरा पै जाना तो फिर मैं उन्होंने घर ठहर जाना रात पूरी। हाँ जी। तो कारी साहब नहीं कहते थे कि क्यों यहाँ पे रुक रहे हो? नहीं नहीं कहते थे? नहीं। कारी साहब कहाँ सुलाते थे तुम्हें? बैठक से। फिर उस तो बाद 2-3 महीने तो मैनू कह रही थी भी इनू मारते इनू मारते मेरे नाल ज्यादती करता है मारता है लड़ता है झगड़ता है। मैं उन्होंने काफ़ी दफ़ा आख्या भी ये काम नहीं ठीक है तेरे घर के मामलात ने तो ही खुद सुलझाओ पर कहती रही मैनू कहती रही। जो ये मामला होया है उस रात मैं इतों 6 बजे दुकान तो निकलिया उन्हें मैंने फ़ोन किया है उन्हें आख्या लो रो उन्हें ना अज आना है मौजम ने। मौजम अपनी बीवी के पास कब आता था घर अपने कब आता था? तकरीबन हफ्ते बाद आता है। ठीक है। किस दिन आता था? हफ्ते इतवार को। ठीक है। हर हफ्ते इतवार को फिर तुम नहीं जाते थे? नहीं। ठीक है। कारी साहब का चूंकि दामाद था मौजम। हाँ। तो मौजम को इस बात का पता था कि तुम अक्सर रात भी उनके घर ठहर जाते हो? हाँ जी। पता था? हाँ। एतराज नहीं था कोई उसको? नहीं नहीं था। नहीं। मौजम क्या करता था? उत्थे को काम करता सी लाहौर। क्या पता नहीं कादा करता है। अच्छा ठीक है। फिर मैं इत्थों दुकान बंद करके पिंड गया। फिर स्वैबा ने फोन किया मैनू भी वो आ रहा है। मैं फिर पिंडों निकलिया ए मेरा भतीजा है वहाब इन्हू मैं पिंड पेलो लभदा रहा मैनू नहीं लभा है। फिर मैं इन्हू 1-2 दफ़ा फोन किया ट्राई किया फोन नहीं लगा। फिर यदा नंबर लग गया तो मैं इन्हू आख्या आना कम जाना असी उतों दोनों मोटरसाइकिल पर बैठे हाँ असी जंडियाले स्टाप पर आ गए। जंडियाले स्टाप पर आ गए पंप पर तो उतने ना पेंचर लाए उसके कोलो सोटा लिया आए असी। क्या लिया उससे आपने आके? सोटा। अच्छा। डंडा। ठीक है। फिर असी ना कालखताई की तरफ ना चले गए चकती 2 नु जड़ा रस्ता जाता उ छोटी जी मस्जिद है तो रस्ता उ खराब है असी उ ना खलो गए और जो साढ़े कोलों गुजरिया ना फील्डिंग लगा के खड़े हो गए हो ना समझते हो फील्डिंग? नहीं नहीं समझते।
हिसाब किताब लगा के खड़े हो गए हो, इधर से गुजरेगा तो मारेंगे, समझते हो? उतना रास्ता खराब सी, वैसे ही गड्डिया। बात का जवाब तो दे दो, हिसाब लगा के खड़े हो गए ना कि इतों नंगे कदे मारेंगे? नहीं, ये हिसाब ला के खलोते सा भी इतों लंघेगा तो साड़ी पछाण च आ जाएगा। ठीक है, तो उतो रस्ता खराब है ना, गड्डियाँ हौली हौली लंघ दियाँ, असं उत्थे खड़े हैं, साढ़े कोलों की गुजरे है तो कैसे मोटरसाइकिल से, मैं इन आख्या ये पिछे मोटरसाइकिल ला दे। जदों हाँ जी, जदों जंडियाले तो क्रॉस होया ना अगे, तकरीबन 10-12 किले अगे आ गया, अगे रस्ता खराब, उत्थे मोटरसाइकिल उहदी रोक लई, असां मोटरसाइकिल रोक के मैं उन्हें मोटरसाइकिल तो धक्का दिता है, वह थले डिगया, मैं उन्होंने खिंच के ना तो सड़क तो थले किया है, जिस कड़ी सड़क तो खिंच के थले किया, असी ना घुलन लग पे हाँ, लड़न लग गए। उसने पूछा ही होगा तेन की होया, तू क्यों मैं मार रहा है, पूछा होगा? नहीं, नेरे दे विच नहीं उन्हें पछाणिया है मैं। अच्छा जी, तो उस टाइम मेरे ना उत्ते आया है। क्या आया? मेरे उपर आया है। अच्छा, इन्हें उन्होंने फड़ के ना थले किया है, जो थले किया है तो वह थले जो उठन दिया है ना, मैं वो सिर च ना इतने डंडा मारता है। उस तो बाद उहदा जिहड़ा मोटरसाइकिल ही असी इन्हें दूसरे किनारे खड़ा करता है, मैं अपना मोटरसाइकिल लैके इन्हू पिछों बिठा के लैके आया, जिधर वो मरिया है असी अपना मोटरसाइकिल उधर खड़ा किया है, जिस घड़ी असी अपना मोटरसाइकिल खड़ा किया है तो असी ना उधर नू जान दे या उन्हू वेखन, इन्नी देर च ना असी उहदे कोल पहुँचने आ, तो पिछों एक मोटरसाइकिल ना उतरदा है जिथे साडा मोटरसाइकिल खलोता है, तो उस दौरान ही मोटरसाइकिल फिर उतर आउंदा है थले नू, असी फिर ना दौड़ ला दिंदे आ, तकरीबन 5-6 किले असी दौड़ जाने आ, पिछों फिर 2-3 फायर हुंदे ने, असी फिर जाके मुंजी दे विच लुक जाने आ। फायर कौन करता है? फायर मुलाजम, पुलिस के मुलाजम। पुलिस के मुलाजम, हाँ जी। उसकी मोटरसाइकिल लेके भाग जाते हो? नहीं, मोटरसाइकिल साड़ी उत्थे रह जाती। और उसकी? उहदी भी उत्थे रह जाती। अच्छा जी, असी फिर ना भज जाने आ, असी मुंजी दे विच लुक जाने आ फिर। यानी इधर से तुम डंडा मार के भागे हो तो पुलिस फौरन तुम्हारे पीछे आई है? जब डंडा मार के असी उहदा मोटरसाइकिल सड़क के दूसरे किनारे किया है ना, ठीक है, तो अपना उस साइड पर किया है जिधर उन्होंने डंडा मारिया, जिधर मरिया होया, तो जो असी उहदे वल जा रहे हैं फिर उन्नी देर नू पुलिस आ जाती है। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दो कि मौजम को ये पता था कि फरियाद का मेरी बीवी से कोई ताल्लुक है? पता था? नहीं, नहीं था पता? नहीं पता। पक्की बात है? हाँ जी। सोच लो, पक्की बात। ना कारी साहब को पता था? नहीं, किसी ने नहीं पता। अच्छा, कपल से 10-12 दिन या 6-7 दिन पहले तुम घर पर थे, मौजम आया है, उसने दरवाजा खटकाया है, हाँ जी, कुंडी तुमने खोली है, हाँ जी, तो बताओ ना पूरी बात, क्या था वो किस्सा? 10 दिन पहले ना मैं पकवाई का काम करना, तो रात को मैं पकवाई करके आया, तो मैं खाना जड़ा लेके आया ना, मैं उदा तो घर चला गया। कहाँ चले गए? उन्हें कारी साहब के घर चला गया, मैं खाना उन्होंने देता है, दे के तो बर्तन उत्थे मेरे ना मैं रखते, उतों मैं दुध वालियाँ बोतलां फड़िया, तो मैं चला गया अपने पिंड। सुबह मैं आया, सुबह मैं ना एक शादी का खाना बनाना सी, मैं उन्होंने घरों ना बर्तन लैन गया, तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम है सुबह का, सुहैबा मैं फोन किया, मैं क्या मेरे बर्तन इतने पे ने, तो उन्हें आख्या आ कि वेख लो लै जाओ, मैं गया वहाँ बर्तन लैन, मैं घर जाना तो कोई जी नहीं घर हों, कली सुहैबा होंगी, मैं बर्तन फड़ के तो अंजसेन दे विच वापसी जा रहा वा, इन्नी देर नूं दरवाज़ा खड़कदा है, मैं दरवाज़ा इंज खोलना तो मौजम अगों आ जाता है, आंदा है मेरिया ना चाबियां रह गई, मैं वो बर्तन लैके तो बाहर निकल जाना बस। हाँ, वहाँ पे तमाशा नहीं लगा? उसने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, उन्हें मैनू कोई गल नहीं की है, जो आया है ना उन्हें आख्या मेरिया ना चाबियां रह गई दुकान दियाँ,
वो अंदर हो गया है, मैं बाहर चला गया बस। अब ये जो हुआ है ये क्या हुआ है, गलत हुआ है सही हुआ है? नहीं गलत हुआ है। जो कारी साहब तुम्हें सुपारा पढ़ा रहे हैं अल्लाह के बंदे, तुम उसकी बेटी पे नजर रख के बैठ गए? जो तुम्हें पनाह दे रहा है कि दूर से आया है, चलो रात बैठक में गुजार ले, आसानी हो जाए, तुम उसके लिए उसी के घर को बर्बाद कर दिया, उसी के दामाद को कत्ल कर दिया। जी गलती हो गई। नहीं गलती तो हो गई है, सोचा नहीं तुमने कि ये बंदा मुझे कुरान पाक पढ़ा रहा है? कोई इंग्लिश की किताब नहीं है, कोई मैथ्स की किताब नहीं है, कोई पर्शियन की बुक नहीं है, कुरान पाक सिखा रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है, उसकी बेटी पे नजर रख ली, उसी की बेटी पे। उस्ताद के आगे तो बंदा हिलता नहीं है डर के। गलती हो गई बस। फिर उसको बेवा कर दिया, नाउज़ु बिल्लाह, तौबा अस्तग़फ़ार, उसके साथ नजायज़ ताल्लुकात बना लिए। कितना अरसा चले हैं ये ताल्लुकात? 2 महीने। तुम तो कह रहे हो 6 महीने से मेरा आना जाना है उनके घर में। घर में आना जाना 6 महीने से है, ताल्लुकात जड़े नजायज ने 2 महीने तो है। शर्म नहीं आई तुम्हें? बहुत शर्म आई। दो बच्चों की माँ के साथ, अव्वल तो उसने भी गलत किया है, वो भी बराबर की शरीक है इस काम में, जुडिशल हो गई है, अगर होती तो मैं ज़रूर उससे सवाल करती, बीबी इस बंदे में कौन से सुरखाब के पर रहे हैं जो उसके अंदर नहीं है? दो मियाँ बीबी में अगर झगड़ा हो रहा है जी, तो उनकी सुलह कराते हैं कि उनके बीच में खड़े हो जाते हैं शरीक बन के? क्या करते हैं? सुलह कराते हैं। तुम्हारे तो सीने में कुरान पाक है, तुमने क्या किया है? तुमने क्या किया है? गलत किया है। क्या नाम है तुम्हारा? वहाब। वहाब जी। कितनी उम्र है? 18 साल। क्या करते हो? काम करते। क्या? YPG। तो स्कूल गए हो कभी? नहीं। स्कूल गए हो कभी? नहीं। कभी नहीं गए? जी जाते होते थे पहले भी। कितना अर्सा पहले जाते थे? 15-16 साल पहले। अभी कितनी उम्र है? 18 साल। अच्छा जी। को समझ आती है उर्दू की? नहीं। किसकी समझ आती है? कुछ इस तरह की है जी। नहीं समझ नहीं आती। किसकी समझ आती? पंजाबी समझ आती है? हाँ जी पंजाबी समझ आती है। पंजाबी समझ आती है जी। हंसी कितने दे आ रही है? हंसी नहीं दे रही। हंसी कितने दे आ रही है? हंस नहीं रहे। मैं क्या हंसदा पिया? तू मुंह थले करके हंसदा है, हुन फिर हंस रहे है तू? नहीं हंसदा। केड़ी गल्लों हंसदा पिया? हंसदा नहीं पिया। मैं की लगदा तेरा चाचू? चाचू जी की कीता चाचू दे नाल रल के? चाचू ने धोखा कीता बस साडे। चाचू ने तेरे नाल धोखा कीता जी? चाचू ने दसया नहीं सी कि मैं आ काम करन लगा। की किया सी चाचू ने? चाचू ने मेनू दसे नहीं आ। क्या कहा था चाचू? पिंड सा उथे रात पई सी, रोने आए सा, खाना वगैरह पका रहे सा। कौन? मामा वाड़ी परोने साडे घर आ सा। अच्छा जी। फिर चाचू फोन करते रहे, फोन नहीं मिलता रहा, फिर मिले बाहर से चाचू ने आख्या जाना है जरा स्टाफ से जाना। मैं कि लैन जाना खैर ही। चाचू ने आख्या काम में आ जाओ। मैं क्या चलो। इन्हें क्या चाचू ने आख्या उन्हें आ जाना काम में अक्सर। मैं क्या चलो जी। मोटरसाइकिल की दी सी? चाचू दी। चाचू दी सी जी। अच्छा तुम चला रहे थे? नहीं चाचू चला रहे थे उदो पहले। चाचू चला रहे थे जी? हाँ भाई चाचू तुम तो कह रहे हो ये चला रहा था। जब तो पिंडो निकले हो तो मैं चला रहा सा, स्टाफ ते आके फिर ये चलान। तो खा की तरह नाला कह रहे हैं? हाँ जी। हैं? मैं दसिया नहीं इन्हों पे कितने जा रहे हैं। अच्छे आशिक हो भाई तुम। अच्छा फिर? फिर स्टाफ ते जाके चाचू जी हरा ने कहा क्या मोटरसाइकिल चलाओ। फिर मोटरसाइकिल चला के मैं चाचू ने कहा इस बंदे दे लागे ला। क्या कहा चाचू ने? कहा इस बंदे दे लागे ला मोटरसाइकिल ते जरा जा रहा। ठीक है फिर? मैं मोटरसाइकिल चलाई, मैं मोटरसाइकिल उधर लाई लागे चाचू जड़ा ने मारिया, मार के चाचू जड़ा थले ला लिया उन्हों बंदे नू। चाचू जड़ी घुलंदा पे ने दो जाने लड़न दे पे ने। चाचू जड़ी इस तरह बखी इस तरह सट हुए ने। मैं उतो चलाया नहीं, मैं पता नहीं सी मैनू इस ताल्लुक दा क्या काम होना सी कि नहीं। जब ये आपस में लड़ रहे थे तो तुमने छुड़ाया नहीं? नहीं मुझे नहीं सी पता। जदों ये कुलदे पे सी तू इन्हां नू छुड़ाया नहीं? नहीं। क्यों? पता नहीं सी मैंने केड़ी वजह तक। ओ तन्नू ऐ ते पता सी ना कि लड़ाई हुंदी पई है। हां जी। फिर क्यों नहीं छुड़ाया? चाचू ने आख्या नु थल्लो इस तरह काट सनु इस तरह, फिर ओदी मैं लत इस तरह कीती है। किदी लत इस तरह कर? भाईओ वाले ना। की किया सी चाचू ने? ना आख्या सी छड़ा मैनू।
मैं छुड़ाया चाचू जी हड़ा आई असलों बंदा उठा नहीं सिर से सोटा मार दिता सोटा कितने कोल सी चाचू जी हड़ा तू पुछया नहीं चाचू सोटा क्यों करना है कितने लेके चलना है मेनू पता ना सी क्यों तेरे नाल बैठा मोटरसाइकिल ते तन्नू पता है सारा नहीं ये बाद विच दस्या ना चाचू जी हड़ा ने जदों चाचू दे हाथ विच सोटा सी तू पुछया नहीं चाचू नु के सोटा की करना है मैं पुछया सी आंदे सन के काम में चाहिदा मेनू मैं फिर पुछया मैं क्या की करना आंदे चाहिदा मैं चाचू जी हड़ा दसे ने मेनू अच्छा जी फिर चाचू ने सोटा उसके सर में मारा है जी हाँ जी फिर उसके बाद क्या किया उसके बाद सोटा मार के असी गए उत्ते सड़क के नाल सी सड़क के उत्ते गए मोटरसाइकिल चाचू ने कहा साइड ते करो मैं उसकी मोटरसाइकिल साइड ते की चाचू ने चला के मोटरसाइकिल लिया मैनू बिठा के लिया फिर मोटरसाइकिल अपने वाली थले नाल साइड ते की साइड ते की मगरों पुलिस आ गई असी भज गए फिर भज गए मुंजी दे विच रात फिर बस फिर पुलिस ने फड़ लिया नहीं पुलिस ने उतों नहीं फड़िया चलो अगले दिन फड़िया कुछ घंटिया बाद फड़ लिया सी पकड़े तो गए थे ना हाँ पर जब उसके सर में डंडा मारा है जी तो तुमने देखा उसका क्या हाल था नहीं मैं नहीं देखा भागना तुम्हें आता था 15 पे कॉल करनी नहीं तुम्हें आई पता है 15 की होती है नहीं 15 की होता है पता है पता है कि नहीं पता सारा पता है नहीं हाँ नहीं पता 15 का नहीं पता जी नहीं कोई बीमार हो जाए कोई गिर जाए एक्सीडेंट हो जाए तो किस किधर फोन करते हैं 11-22 पे फोन करीदा पता है इस गल का पता 11-22 का पता है जी पता है पर कॉल नहीं मिलानी हां कॉल नहीं सी मिलाई है जब मेनू पता ना सी 11-22 का पता है ना जी नहीं पता नहीं मैं कभी इस तरह तो कभी हादसा देखे नहीं असी अपने ही भाई भी जी दा करीदा ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਚਾਚੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਜੀ ਹਰਾਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚਾਚੂ ਜੀ ਹਰਾਂ ਮਾਰਤਾ ਮੈਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿਆ ਹਾਂਜੀ गलती हो गई है जी अब माफी दे दे अल्लाह दी जात माफ कर दे हैं अल्लाह दी जात अल्लाह ने तो नहीं कहा कत्ल करो मैं माफ करूंगा बेशक कहीं लिखा है कुरान पाक में तुमने तो याद किया है कुरान पाक नहीं लिखा ओ हाफिज है कुरान हो तुम मुझे तो समझ नहीं आ रही है तुमसे गुफ्तगू किस तरह करूं अब चाचू ने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी है सही कर दी है जी मेरी जिंदगी चाचू खराब कर दी है चाचू ने मेरे साथ बहुत गलत की है जी मैं गलत किया ये नाल मैं इनू दसिया नहीं है कि किस काम जा रहे हैं किस लिए जा रहे हैं मैनू पता होंदा मैं कदम ना सी चुकना भावें चाचू सी भावें जो भी सी जी बिल्कुल ठीक आंदा है